Hi student, today we have discussed chapter 1 of class 8, that is a period of the transition. आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 आपका दिया हुआ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. सबसे पहले बात आती है, अब ये जो ट्रांजिशन वर्ड आपका दिया गया है इसका मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है. ट्रांजिशन मींस क्या होता है? अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर. कहते कि एक ऐसा चेंज जो एक स्टेट से ना वो चेंज होकर के या फिर एक स्टेट से वो चेंज होता है और दूसरे स्टेट में जाकर के चेंज होता है, उसको हम एक तरह से ट्रांजिशन मींस कहते हैं. अगर अदर वर्ड्स में इसको हम लोग ये डिफाइन करें ना तो इसका मीनिंग आप चेंज बोल करके लिख सकते हो. जैसे बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा हम लोगों को कि किस तरह से हम लोग उस समय में जो हमारे पूर्वज वगैरह थे वो लोग कैसे गुफाओं में रहते थे, फिर आते आते वो लोग छोटे एक ग्रुप जैसा बनाए, वहां पे विलेज जैसा बना, सोसाइटी बना, विलेज जैसा बना, धीरे धीरे वही प्रोग्रेस होते होते कहां चला गया, तो टाउन में बदल गया. ये सारी की सारी ये सब चेंजेस, किसी भी चीज में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना ही ये आपका ट्रांजिशन कहलाता है. अब ये ट्रांजिशन मीन्स के बाद में अब हम लोग मेन जो पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको पढ़ते हैं. We need that history is the study of the past. अब हम लोग बात आते हैं कहां पे, तो हिस्ट्री के बारे में. इसको एक तरह से हम लोग स्टडी ऑफ पास्ट कहा जाता है. स्टडी ऑफ पास्ट का मतलब आप लोग बढ़िया से जानते हो, क्लास 4, 5, 6 से आपको पढ़ते चले आ रहे हो, 7 में भी पढ़े हो, 8 में ये चीज समझाने का उतना जरूरत नहीं रहता बच्चों को. हमारी जितने भी सारे इवेंट्स वगैरह घटनाएं वगैरह जो पास्ट हुई थी उसी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपका हिस्ट्री कहलाता है. नाउ History is the study of the changing patterns in society. So, according to the changes, historians divided the history into the 3 periods. अब बात आती है हिस्ट्री के बारे में, तो इसको ना चेंज किया गया था सोसाइटी के थ्रू से भी, सोसाइटी के पैटर्न्स के ऊपर में. ये जो सोसाइटी के पैटर्न्स को उस समय में डिवाइड किया गया था ना, तो उस तरह से हम लोग हिस्ट्री का भी डेफिनेशन उसमें ऐड कर सकते हैं. लेकिन उसी पैटर्न्स के ऊपर में खास करके जो हमारे हिस्टोरियंस थे इन लोगों ने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 1, 2 और 3. फर्स्ट ग्रुप आपका था एंशियंट, सेकेंड ग्रुप आपका था मेडिवल और थर्ड ग्रुप आपका था मॉडर्न. अब ये सारी डेफिनेशन वगैरह आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, क्लास 7 वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि एंशियंट टाइम किसको कहा गया था, फिर मिडिवल टाइम कौन सा आया, फिर मॉडर्न टाइम. तो ये सारी की सारी पॉइंट वगैरह हम लोगों ने उस समय में डिस्कस किया था. अब हम लोग आते हैं इसमें, ये तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सो दिस ब्रॉड द डिविजन्स मार्क्स द हाउ द सोसाइटी इकोनॉमिक चेंजेस, कल्चर चेंजेस, पॉलिटिकल्स ऑफ द वन पीरियड डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग्स एंड द सक्सेडिंग पीरियड्स. कहते हैं कि ये सारे के सारे पीरियड की अगर हम बात करते हैं ना, तो उस समय में कैसे सोसाइटी चेंज हुई थी, क्या इकोनॉमी था, कैसे कल्चर था, क्या पॉलिटिक्स था, ये सब सारी की सारी बातों के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था. खास करके कैसे कैसे हर पीरियड से ये सारा का सारा चीज जो था वो चेंजिंग होते चला गया. तो इस मौसम में द रिमार्केबल दैट द चेंज From the medieval to the modern did not they happen the overnight. अगर हम लोग इस बात करते हैं ना कि अगर हम लोग ancient से medieval की तरफ जाए, चाहे medieval से modern की तरफ जाते हैं ना, तो ये उस समय में ऐसा नहीं था कि overnight ये सारी changing हो गई थी. ये चेंज होने में years to years जिसको हम लोग कहते हैं ना, century to century, उस तरह से इस तरह का टाइम लगा था, खास करके ancient से medieval में जाने में और medieval से modern period में आने में. So it was a gradual process and took place over a period of the time. Also the modern period did not begin at the same time in all the parts of the world. वैसे अगर हम लोग modern period की बात करते हैं, ये भी world का हर part में ना एक साथ में उस समय में start नहीं हुआ था. Okay, the 18th century is regarded as the starting to be the point of the modern period. अगर हम लोग modern period की बात करते हैं ना, तो ये एक तरह से जो 18th सेंचुरी कहा गया था, 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी एक तरह से रिगार्ड किया गया था किसके लिए, तो मॉडर्न जो आपका पीरियड था उस पीरियड के लिए. नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया. कहते हैं कि इसी समय में ब्रिटिश जो था ना वो मास्टर्स बन चुका था. कहां का मास्टर बन चुका था, तो इंडिया का.
अब ये चीज भी हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल लगभग 200 इयर्स तक, ये तो लोग तो आए थे इससे पहले भी, लेकिन ओवरऑल 200 इयर्स तक इंडिया में जो था ना वो लोग यहां पर में रूल करके चले गए। और किस तरह से उन्होंने रूल किया, किस तरह से अपनी कंट्री को, खास करके हमारी कंट्री को, वो लोग क्या किया, यहां से कितने सारे सामान वगैरह लूट के लेके चले गए, इसके बाद में जो आदमियों के साथ जो वो लोग कर रहे थे, किस तरह की बातें थी, वो सब सारा का सारा चीज हम लोग ने इससे पहले भी चैप्टर वगैरह में पढ़ा हुआ, क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से सारा का सारा चीज उस समय में हुआ था। मतलब एक तरह से अंग्रेज जो था वो मॉडर्न पीरियड के समय में ही खास करके मास्टर्स ऑफ वो इंडिया बना था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। नाउ दे ब्रॉट अबाउट द मेनी चेंजेस इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द लाइफ, लेकिन उसके आने के बाद में क्या हुआ ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ जो था ना, उन सारे चीजों में भी बहुत सारा का सारा चीज देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। ऐसा ही नहीं था कि लोग सिर्फ वहां पर, यहां पर मैं अपने मतलब सिर्फ लूट के लेके चले जाते थे, बल्कि बहुत सारा ऐसा फील्ड था जिसमें ये सब सारी की सारी चीजें चेंजिंग देखी थी। अब हम लोग आते हैं खास करके इसके सोर्सेस के बारे में, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, वो हम लोग अब करेंगे सोर्सेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द सोर्सेस, अगर अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सोर्सेस के बारे में, तो देयर इज एन एबंडेंस ऑफ द सोर्स मटेरियल्स फॉर द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस मतलब जो था ना वो उस समय में हमारे पास में मिला था, खास कर अपने कंट्रीज में। सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू सोर्स पीरियड और द टू ग्रुप्स, इसको ना हम लोग टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक था आपका प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा जो था वो आपका सेकेंडरी सोर्सेस। तो नंबर वन हो गया आपका प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंड वन हो गया आपका सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्सेस की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो प्राइमरी सोर्सेस में क्या था, सोर्सेस में क्या था कि दिस इंक्लूड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच एज, ये जो था ना आपका कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था वो उसमें इंक्लूड था, जिसमें आपका लेटर्स, गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज रील्स, न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ एटसेट्रा, और बहुत सारे ऐसे थे। ये सारे के सारे चीज आपका प्राइमरी सोर्सेस के अंदर में आता है। नाउ इन द सेकेंड पॉइंट, इन द सेकेंडरी सोर्सेस, हिस्टोरियंस स्टडी द प्राइमरी सोर्सेस एंड इंटरप्ट देम, कहते हैं कि प्राइमरी सोर्सेस के बाद में पढ़ने के बाद में हिस्टोरियन जो थे उन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर में इंटरप्ट किए, किसके ऊपर में, तो खास करके प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर में। एंड आफ्टर दैट दे हैव डिस्कस दे आर द रिपोर्ट्स, फिर उन लोगों ने सेकेंडरी सोर्सेस में जो ये किया आपका जो पॉइंट रखा उसमें आपका था रिपोर्ट्स के बारे में, रिव्यूज के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, बुक्स के बारे में और एटसेट्रा, ये सब सारी की सारी चीजें आपको सेकेंडरी सोर्सेस में दिया गया था। तो इस तरह से सोर्सेस से हम लोग को प्राइमरी सोर्सेस के बारे में भी पता चला और सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में भी पता चला, जहां पर में किस किस चीज को प्राइमरी सोर्सेस के अंदर में रखा गया था और किस किस चीज को सेकेंडरी सोर्सेस के ऊपर में रखा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है आपका मॉडर्न यूरोप का। यहां से स्टार्ट अब हम लोग करेंगे मॉडर्न यूरोप। नाउ इन अ मॉडर्न यूरोप व्हाट्स हैपेंड, बेसिकली द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर इंटरेक्शंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि अगर हम लोग मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं ना, तो लगभग बहुत सारा वर्ल्ड के अंदर में ऐसे ऐसे कंट्रीज वगैरह था जहां पर में मॉडर्न पीरियड जो था वो स्टार्ट हो चुका था। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस बाय द डेवलपमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि अगर इंडिया की बात करते तो वर्ल्ड का जितना सारा मतलब इन्फ्लुएंस ये भी हुआ था, जैसे अदर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, उसी तरह से उस समय में इंडिया में भी इस तरह का जो था ना वो डेवलपमेंट खास करके स्टार्ट हो चुका था मॉडर्न पीरियड के समय में। एंड देयरफॉर बिफोर वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंट इवेंट। हम लोग अब स्टडी जो करेंगे खास करके मॉडर्न इंडिया के बारे में जानने के लिए, उससे पहले आपको ना कुछ इवेंट्स वगैरह के बारे में भी समझना होगा कि आखिर मॉडर्न यूरोप में किस किस टाइप का जो था वो ये सारी की सारी बातें चेंजिंग हुई थी। इंपॉर्टेंट टू बी नो अबाउट टू बी द सिग्निफिकेंट इवेंट एंड चेंजेस देयर द टाइम वॉक्स एंड द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग
दिस पीरियड, और वही सारा का सारा चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चेंजिंग जो थी ना वो खास करके ना इंडिया के अंदर से लेकर के और आपका पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या पूरे अदर अदर पार्ट्स में किस तरह से ये चेंजिंग वगैरह देखने को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द रेनिजेंस। अब जो हम लोग अगला पॉइंट आ रहे हैं ये आपका दिया हुआ रेनिजेंस के बारे में। अब सबसे पहले इसका मतलब समझना भी जरूरी है। द वर्ड रेनिजेंस लिटरली मींस होता है आपका रिबर्थ, रिबर्थ, रिबर्थ से हम लोग भी समझते हैं कि रिबर्थ का मतलब क्या, तो फिर से जन्म लेना है, नहीं है। लेकिन यहां पर में क्या था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक तरह से जो पहले की सिचुएशन थी वो सब सारा चीज छोड़ करके फिर से लोग रिबर्थ होने लगे थे, मतलब प्रोग्रेस की जो थी ना वो सीढ़ियां सब कंट्री जो था सब देश जो थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। तो ये आपका रिलीजेंस का मतलब ही रिबर्थ खास करके दिया गया है। ये आपका रिलीजेंस लिटरली मीन्स होता है। सो इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट that the spawn roughly to be the movement of began in the Italy and spread to be the rest of the Europe। कहते कि ये began तो हुआ था अपने इटली से और लगभग यूरोप का जो पार्ट था ना उस यूरोप के पार्ट में ये लगभग सब जगह स्प्रेड हो चुका था। कहां से कहां तक? स्टार्ट हुआ था आपका इटली में और ये आपका स्प्रेड हो चुका था रेस्ट ऑफ द यूरोप। सो इट एम टू रिवाइव द क्लासिकल ग्लोरी लर्निंग एंड कल्चर ऑफ द एंशियंट ग्रीस एंड द रोम। कहते कि उस समय में खास करके इनका मकसद ही था किसका कि किस तरह से क्लासिकल जो है ना वो लर्निंग जो है वो वहां से लेकर के कल्चर ऑफ जो भी था उस समय में ये सारे के सारे चीज को कैसे ये लोग आगे लेके चलेंगे। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी एंड साइंस, ये जितने सारे चीज थे ना उस समय में उस पीरियड का खास करके ये इन्फ्लुएंस किया गया था खास करके रिलीजियंस के समय में ही। उस समय में ये सारा का सारा चीज जो था आर्ट को हो, आर्किटेक्चर को हो, लिटरेचर को हो या साइंस को, ये सारे के सारे चीज को उस समय में खास कर रिलीजियंस पीरियड में ही इसको इन्फ्लुएंस किया गया था। नाउ इट वी टुक अबाउट टू बी द रिलीजियंस थिंकर्स। अगर हम लोग बात करते हैं ना रिलीजियंस थिंकर्स का, ठीक है, तो दे वेर द रेशनलिस्ट। वो लोग क्या थे? एक तरह से रेशनलिस्ट थे। तो यहां रेनिजेंस थिंकर्स को एक तरह से रेशनलिस्ट कहा गया था। अब ये रेशनलिस्ट खास करके होता कौन था उस पॉइंट को सुनो ध्यान से। अ पर्सन हु बेसेस देयर ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑन रीजन एंड नॉलेज रेदर देन अ रिलीजियस बिलीफ और इमोशनल रिस्पॉन्स। कहते कि एक ऐसा व्यक्ति जो खास करके अपना ओपिनियन कहो चाहे एक्शंस कहो वो रीजन बेसिस के ऊपर में दिया करते थे, नॉलेज के ऊपर में दिया करते थे, ना कि किसी रिलीजियस बिलीफ को लेके चलते थे और ना ही कोई इमोशनल रिस्पॉन्स को लेके चलते थे। तो ये आपको जो उस समय में रेशनलिस्ट थे ना उनके बारे में ये चीज कहा गया था कि जितने भी रिलीजियस थिंकर्स वगैरह थे उनको उस समय में एक तरह से रेशनलिस्ट कहा गया था। कहां पर में? तो ये हम लोग वही की बात करते हैं खास करके ये समय था आपका जहां पर में ये रेशनलिस्ट रिलीजियस थिंकर्स को एक तरह से लेके चल रहे थे, इसी को कहा गया था ओपिनियन इनकी लोग की इस तरह से थी। नाउ दे आस्क द पीपल टू नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्टेड वॉट एवर द चर्च टोल्ड देम। कहते कि ये लोग क्या कहते थे पीपल को कि आप लोग खास करके उस सारे के सारे बात को मत मानो जो आपको चर्च कह रहा है, आप वही चीज को सही मत मानो जो आपको चर्च एक तरह से सलाह दे रहा है। सो ह्यूमन बिकेम द सेंटर ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द रिलीजियंस। कहते कि उस समय में रिलीजियंस के समय में ह्यूमन जो था ना वो एक तरह से सेंटर बन चुका था। किस बात का सेंटर बन चुका था? तो स्टडी का सेंटर बन चुका था। सेकुलर थीम्स एंड द डिपिक्शंस ऑफ द ह्यूमन फॉर्म बिकेम द फोकस ऑफ द पेंटिंग एंड द स्कल्पचर। कहते कि इस समय में जो स्कल्पचर्स का हुआ करता था चाहे पेंटिंग की बात होती थी वो सारा का सारा जो था ना वो ह्यूमन फॉर्म के ऊपर होता था। ये सारे के सारे चीज उस समय में घटी थी। नाउ द ट्रू स्पीड ऑफ द रेनिजेंस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द स्कल्पचर्स राइटर्स। अगर हम लोग बात करते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की,
तो ये स्कल्पटर्स के द्वारा किया गया था, राइटर्स के द्वारा किया गया था, पेंटर्स के द्वारा किया गया था, साइंटिस्ट के द्वारा, उसमें भी ये सारी की सारी चीजें की गई थी। अगर हम लोग समग्र रेशनलिस्ट जिसको कहा गया था इसमें उनकी अगर बात करें तो उसमें आपका नाम आता है माइकलांजेलो बिनारोटी का, फिर इसके बाद में विलियम शेक्सपियर का, फिर इसके बाद में लियोनार्डो दा विंसी का, फिर इसके बाद में निकोलस कॉपरनिकस का, फिर गैलीलियो का और इशाक न्यूटन का, इन सब का नाम एक तरह से ना रेशनलिस्ट के अंदर में आया करता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द रिफॉर्मेशन। अब जो हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं ना, ये आपका रिफॉर्मेशन था। अब ये देखो रिफॉर्मेशन था क्या, तो बेसिकली द रिफॉर्मेशन वॉज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप। अगर हम लोग बात करते हैं रिफॉर्मेशन का, तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में जाना गया था, इंपॉर्टेंट मूवमेंट के रूप में जाना गया था, इवेंट मूवमेंट कर सकते हैं इसको हम लोग, के रूप में जाना गया था हिस्ट्री ऑफ द यूरोप में। द न्यू स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरिंग द अपोज टू बी द प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्चेस, कहते हैं कि नए नए जो उस समय में थे ना स्पिरिट वगैरह जो था वो एक तरह से ऐसे खड़े होने इंक्वायरी करने लगे, अपोज करने लगा प्रैक्टिसेस जो भी उस समय में चर्च के द्वारा करवाया गया था उसके थ्रू। सम पीपल स्पोक आउट अगेंस्ट द चर्चेस फॉर दे बिलीव दैट इट हैड बिकम द टू रिच पावरफुल एंड करप्ट, कहते कि कुछ पीपल तो इस तरह से खड़े हो गए चर्च को लेकर के, वो लोग मतलब ये कहने लगे कि ये तो एक तरह से पावरफुल बनते चला जाएगा, एक तरह से पूरा का पूरा लॉर्ड बन जाएगा ये, ठीक है, और इतना ही नहीं रिच बनेगा, पावरफुल बनेगा और एक तरह से तो करप्ट होते चले जाएगा। सो दिस पीपल वी आर द कॉल द प्रोटेस्टेंट, और उसी पीपल को ये सब लेकर के जो बात चला था ना उसी पीपल को वहां पर में प्रोटेस्टेंट का नाम दिया गया था। ओके, सो रिफॉर्मर अर्ज द पीपल टू रीड द बाइबल एंड नॉट द पॉप एज द सुप्रीम अथॉरिटी। बाद में उस समय में जो खास करके जो रिफॉर्मर्स वगैरह थे उन्होंने क्या कहा कि आप बाइबल को तो पढ़ो, आप बाइबल को तो पढ़ो, लेकिन पॉप जो है वहां पे जिसको फादर कहा जाता था एक तरह से, उसके सुप्रीम अथॉरिटी की बात को मत उतना मानो। ये चीज उस समय में कुछ रिफॉर्मर्स के द्वारा ये सब चीज जो थे वो बताया गया था। नाउ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च ऑफिशियल वॉज लेड बाय द मार्टिन लूथर। हु वाज द मार्टिन लूथर? ही वाज द मॉन्क ऑफ द जर्मनी। कहते कि अब इसी चीज को प्रोटेस्ट किया गया जर्मनी से, सबसे पहले मार्टिन लूथर निकले इसको प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर अगर हम लोग आगे की बात करते हैं मार्टिन लूथर के बाद में, तो इन स्विट्जरलैंड उल्रिच ज्विंगली एंड जॉन कैल्विन, ये स्विट्जरलैंड से निकला। नाउ इन इंग्लैंड द मूवमेंट वॉज लीड बाय द हेनरी एट, और अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये मूवमेंट आपका हेनरी एट के द्वारा बनाया गया था। सो दिस मूवमेंट वॉज नोन एज द कैथोलिक रिफॉर्मेशन, इसको हम लोग एक तरह से कैथोलिक रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। रिफॉर्मेशन, कैथोलिक रिफॉर्मेशन, इस तरह से ये मूवमेंट का नाम एक तरह से दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी का, ठीक है। अब वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी का तो मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये जो वॉयज वर्ड है ना, ये वॉयज वर्ड का मीनिंग होता है अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और इन ए स्पेस, एक बहुत बड़ा सा जर्नी जो सी के थ्रू या फिर स्पेस में किया जाता है, इसी को हम लोग वॉयज के नाम से भी जानते हैं। सो ड्यूरिंग द अर्ली 15th सेंचुरी, अब क्या होता है अर्ली 15th सेंचुरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था उस समय में किसके बीच में, बिटवीन यूरोप एंड एशिया, वॉज एन ओवरलैंड रूट एंड दैट पास थ्रू द वेस्टर्न एशिया। ये एक तरह से ओवरलैंड, जिसको हम लोग कहते हैं ना जमीन के ऊपर में, ये ओवरलैंड रूट था जो कि पासेस होता था कहां से, थ्रू द वेस्टर्न एशिया से। तो ये हो गई आपकी इसके बारे में। नाउ ट्रेड विद द एशिया वाज अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड एक्सट्रीमली द इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन, उस समय जो ट्रेड होता था खास करके वो एशिया का, वो बड़ी ही प्रॉफिटेबल था।
खास करके इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस के लिए भी. सो अमंग द अदर थिंग्स दे नीडेड द एशियन स्पाइसेस टू बी द प्रिजर्व मीट. कहते हैं कि इतना ही नहीं, उन लोगों को यहाँ का एशियन स्पाइसेस की ना जरूरत पड़ती थी. किसके लिए? तो वो लोग मीट वगैरह को ना एक तरह से प्रिजर्व किया करते थे. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है हम लोग तो जानते ही है, उसको बहुत दिनों तक रखना. सो टेक्सटाइल्स फ्रॉम द एशिया वेयर द ऑल्सो पॉपुलर आइटम्स ऑफ ट्रेड. अगर हम लोग टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो ये भी एक तरह से ना इंपॉर्टेंट ट्रेड हुआ करता था उस समय में. खास करके द ओवरलैंड रूट्स, अब क्या होता है धीरे धीरे, द ओवरलैंड रूट्स वॉज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द ट्रेड. अब जो ओवरलैंड रूट था ना वो एक तरह से अवेलेबल नहीं रहा. किसके लिए? ट्रेड के लिए. क्यों? बिकॉज इसके पीछे कारण था. वो कारण क्या था तो ये जानना होगा आपको. बिकॉज द तुर्क्स ब्लॉक द ट्रेड रूट्स टू एशिया. कहते हैं कि उस समय में जो तुर्क्स थे ये लोग ना एक तरह से ये रूट ही पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिए, रूट को पूरा का पूरा बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया. ठीक है. नाउ टू फाइंड अ न्यू रूट टू बी द एशिया दस हैड टू बी द डिस्कवर्ड एंड दिस लेड टू बी द रेस among the European countries to find the sea routes. कहते कि इसके बाद में ना अलग अलग कंट्री से जो था नए रूट को निकालने के लिए, खोजने के लिए बहुत सारे रूलर वगैरह जो थे ना वो लोग अब उसमें जुट गए कि किसी न किसी तरह से हमको ओवरसीज लैंड वाला तो बंद ही हो गया था, अब ओवरसीज के ऊपर में खास करके हम लोग एक नया सा रूट वगैरह निकालेंगे. Now, the tremendous growth in basically in the geographical knowledge and the invention of the new scientific instrument gave a fillip to be the explanation improved map jisme aapka tha improved map phir aapka kuch instrument diya gaya tha jis instrument mein naam diya gaya aapka ek ek karke the quadrant ka the astrolabe ka the magnetic compass ka and adjustable sails made the sailing at the sea safer. तो इन्वेंशन ऑफ गन एंड गन पाउडर, ये जो दो चीज का इन्वेंशन हुआ था तो दिस हेल्प द सेफगार्ड शिप फ्रॉम द अटैक बाय द सी पिरेट्स. उस समय में जो सी पिरेट्स हुआ करता था वो लोग जो अटैक करता था उससे बचने के लिए गन का और गन पाउडर का यूज किया जाता था. दस द न्यू शिप्स रूट्स एंड द न्यू लैंड्स वर डिस्कवर्ड बाय द सेलर्स एंड द एक्सप्लोरर. बाद में इस तरह से ना सेलर्स के द्वारा एक्सप्लोरर के द्वारा नए सी रूट का जो था उस समय में एक तरह से इन्वेंशन भी और न्यू न्यू लैंड्स का भी इन्वेंशन हुआ. ओके नाउ कम टू बी द पॉइंट. कहते कि कुछ ऐसे ऐसे जगह वगैरह थे ना जिसमें खास करके जगह को ये जो क्या था जो नए नए जगह का जो मतलब एक तरह से डिस्कवरी हुआ था जिसमें दिया गया था एक आपको बार्थोलोमी का. ये बार्थोलोमियो डियाज ये नाम हुआ करता था. इन्होंने केप ऑफ गुड होप का पता लगाया. कब था ये? 1488 में. अगर हम लोग 1498 की बात करते हैं तो वास्को द गामा का नाम दिया गया. इन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था. इसके बाद अगर हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? अमेरिका का डिस्कवरी किया था. इस तरह से नए नए लैंड का जो था ना इन लोगों ने क्या किया था? एक तरह से डिस्कवरी किया था. नौ अगर हम लोग लास्ट में बात करते हैं फर्डिनेंड मैगेलन का, ही वाज अ पोर्तुगीज सेलर, वाज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. कहते हैं ये फर्स्ट एक तरह से पोर्तुगीज सेलर था जो पूरा का पूरा ना खास करके पहली बार ये मतलब सेल किया था पूरा का पूरा अराउंड द वर्ल्ड का. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग वगैरह थे उस समय में जो ये लोग अलग अलग जगह का अलग अलग रूट्स का जो इन्वेंशन किया था. अब जो कुछ ये तो आपका हाफ पॉइंट है, अब जो कुछ बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिस्कवर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद में जो पॉइंट होगा उसको समझाया जाएगा. ओके.